वीडियो में जो शख्स दिख रहा है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार थे, जिसको ईडी ने आज बुलाया था। लेकिन यह पैदल क्यों आ रहे हैं? क्या प्रेस सलाहकार की नौकरी जाने के बाद पैसे खत्म हो गई है? ऐसे अनेक सवाल आपके मन में भी आ रहे होंगे। लेकिन आपको बता दे कि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। शायद कोई मजबूरी हो या मीडिया को दिखाना हो, इसलिए पैदल ईडी कार्यालय पहुंच रहे हैं। हालांकि ईडी का सवाल जवाब शुरू है। दरअसल अवैध खनन से जुड़े मामले को लेकर ईडी की जांच चल रही है। इस जांच को आगे बढ़ाते हुए कई लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है, तो वहीं मामले की तह तक जाने के लिए लोगों से पूछताछ का सिलसिला अभी भी चल रहा है। इसी क्रम में अभिषेक प्रसाद से पूछताछ के लिए उन्होंने समन जारी किया था और समन के आलोक में वह ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। अभिषेक प्रसाद का जिन सवालों से सामना होगा, संभवत उन सवालों का जवाब देने के लिए उन्होंने अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लाया है। आपको बता दें कि जमीन घोटाले और अवैध खनन मामले में ईडी ने बीते 3 जनवरी 2024 को पिंटू समेत कई अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। वहीं पहले भी ईडी अपने दफ्तर बुलाकर पिंटू से पूछताछ कर चुकी है। वहीं होली के बाद ईडी 4 अप्रैल को कांग्रेस के बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से जमीन लूट, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में अर्जित धन की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ होने वाली है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।